हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ मैं। जैसे कि मैं आई हूँ मनसा देवी, और आप देख सकते हो यहाँ का मंदिर देख के आपको पता चल गया होगा। तो मैं आ गई हूँ मनसा देवी, और सुबह सुबह आज आई हूँ। आज है संडे, तो हमने सोचा चलो सब पूरी फैमिली के साथ चलते हैं दर्शन करने। तो आज हम लोग दर्शन करने के लिए निकले हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं, उनके मासा जी हैं, उनकी मासी हैं, उनके भाई हैं। तो ये देखिए मेरे आगे आगे सब लोग प्रणाम कर रहे हैं मंदिर में एंट्री होने से पहले। तो आज हमने कुछ खास देखा, तो आप लोग देख सकते हो मैं क्या दिखा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक आम का पेड़ है, उसके ऊपर इतने सारे माला, इतने सारे फूल। मैं देख के इतना ज़्यादा खुश हो गई थी, इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था। और बाबू भी देख के मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और अब सभी लोग उस पेड़ को देख रहे थे। और यहाँ एक बरगद का पेड़ था, जैसे सभी लोगों को पता होगा जो मनसा देवी जाते हैं। तो पहले एंटर जब हम करते हैं मंदिर के अंदर, तो वहाँ पे एक लेफ्ट साइड में एक बरगद का पेड़ है जिस पे बहुत सारे फूल थे। और मैं हमेशा आती रहती हूँ, पर मुझे ये फर्स्ट टाइम ये लुक देखने को मिला, और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी। क्योंकि मैं नवरात्रि में भी नहीं आई थी, तो मुझे लगा शायद ये नवरात्रि के बाद या नवरात्रि के टाइम कुछ ऐसा कुछ सिस्टम होगा कि जो भी हम माता रानी के लिए जो फूल माला जो भी लेके हम आते हैं उनके चढ़ावे के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि ये सब जैसे बेल के पेड़ के ऊपर या आम के पेड़ या बरगद के पेड़ पे ऐसे मतलब चढ़ाते हैं। और आप देख सकते हो मैं पीछे भी खड़े थे, तो पीछे भी बहुत सारे थे, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे रील्स वगैरह शूट किए थे। तो यहाँ पे बहुत स्पीड में, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे भोग हम लोग रन करते हैं भंडार में, तो वहाँ हमने रील्स वगैरह को शूट किए और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग यहाँ पे आए। तो मैं यहाँ पे जा रही थी छत पे, क्योंकि गैस मैंने बनाया था यूट्यूब पे वीडियोस, तो अपने चैनल पे मैंने अपने वीडियोस बनाए। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं वहाँ से आई मनसा देवी से, उसके बाद मैं रील्स बनाई और थोड़ा सा भी रेस्ट मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद मैं निकली छत की तरफ, और छत पे ही हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। अभी मैंने रखा अपना फ़ोन, फिर मैंने सोचा चलो अपने थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ, वो ड्रेस भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये ड्रेस मैंने लिया था रक्षाबंधन में। जैसे आप लोगों ने मेरा ब्लॉग में देखा होगा, तो मैंने ये लिया था रक्षाबंधन में। और गाइस ने क्या ही बताऊँ, पसीने से भर गई थी, और ठंड का टाइम है अभी, आप समझ सकते हैं ठंड का टाइम है, और मेरे माथे पे लगा हुआ टीका। और मैं आई थी मंदिर से, और आज है संडे, और संडे के दिन हमारे इधर में तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, क्राउड का नाम ही नहीं है, और क्राउड एकदम था नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि क्राउड नहीं होता है, क्योंकि संडे के टाइम में बहुत लोग घूमने जाते हैं और बहुत लोग घर में रहते हैं अपने फैमिली के साथ, अपना एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो बाबू का छुट्टी तो था, बट हम लोग गए मनसा देवी घूम के आए। फिर मुझे लग रही थी गर्मी, और मैं बैठ गई छत पे, और मैंने सोचा चलो आप लोगों से खूब सारे बातें करती हूँ। तो बातें करते 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 मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से सोचा चलो शेयर कर दी। तो गाइस कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गई, मेरा मतलब कोई डिसीजन नहीं था जाने का कहीं पर भी। फिर मेरी आप लोगों को पता है जैसे मेरे पास शॉप, मेरी अपनी खुद की शॉप है, तो हम लोग गए घूमने। फिर बाबू मुझे बोले तो चलो चलो चलो, फिर मेरा कोई भी एक डिसीजन नहीं था कि हम जाएंगे मंदिर। फिर हम लोग समझ सकते हैं, मैंने बाबू को बोला कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर हम लोग गए मनसा देवी, और वहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ वहाँ की चीज़ें। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ें बता रही हूँ कि वहाँ पे जो मैंने फर्स्ट टाइम जो मैंने फूल वगैरह देखा, मैंने आप लोगों ने जैसे वीडियो में देखा, और स्पेशल मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि ये चीज़ शायद ये मैंने देखा या आप लोगों ने भी देखा होगा अगर हाल फिलहाल आप लोग गए होंगे। मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबू को भी बहुत अच्छा लगा कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। पहले जब मैं मनसा देवी 5 साल से जा रही हूँ, और 5 साल से मुझे पता है पहले होता था जहाँ पे मनसा देवी माता हैं वहाँ पे हम लोग जाते थे, तो वहाँ पे धूप बत्ती, वहाँ पे काफ़ी सारे चुनिया वगैरह रहती थी, तो हम लोग वहाँ पे भी थोड़ा अभी रोक टोक हो गया, वहाँ पे बंद कर दिया है, बाहर में भी बंद हो गया है, तो फूल माला चढ़ाने नहीं देते हैं। तो माला ही क्या करते हैं कि पब्लिक सब पेड़ों में डाल दे रहे हैं। फिर हमने क्या किया, आज हमारे पास था नहीं इयर रिंग्स, तो हमने लिए अपने लिए इयर रिंग्स, और बहुत सुंदर सा इयर रिंग्स लिया, बटरफ्लाई इयर रिंग्स, आप लोग देख सकते हो मेरे कानों में है, और जैसे आप लोगों को मैंने दिखा भी दिया। सो गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्जॉय की, और थक बहुत ज़्यादा गई थी,
मेरे पैर हाथ में इतनी गंदी वाली मेरे को दर्द हो रही थी, मुंह टमाटर जैसा हो गया था, एकदम रेड रेड हो रहा था और कानों में बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा था, क्योंकि जब मैं घर से निकली थी तो मैंने बहुत बड़े इयररिंग्स डाले हुए थे और फिर उसके बाद मैंने वहाँ से बाई किया एक छोटा सा बटरफ्लाई इयररिंग्स और आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा था, बाबू को बहुत प्यारा लग रहा था। बाबू मुझसे बोल भी रहे थे कि अपने शॉप से ले लेते, मैंने बोला टाइम ही नहीं मिला, कोई डिसीजन भी नहीं था कहीं जाने का, तो मैंने लिया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं बाहर से बाई करते हैं, तो मैंने बाहर से बाई किया पर बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा इयररिंग्स, और फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा इयररिंग्स लिया और मुझे बहुत क्यूटी सा लग रहा था, मैंने कहा चलो अच्छा लगेगा। फिर मैं बहुत ही मतलब वहाँ पे आप लोगों को क्या बताऊँ, आज इतना ज़्यादा क्राउड था मनसा देवी में, इतना ज़्यादा आप लोग सभी लोगों को पता होगा जो चंडीगढ़ में है, जो मनसा देवी जाते हैं, संडे का टाइम और इतना ज़्यादा क्राउड, हम लोग इतनी लंबी मतलब थे, इतनी लंबी लाइन में थे, इतनी देर के बाद हमारा नंबर आया, हम लोग वहाँ पे दर्शन किए, अपना मत्था टेका, अपना मत्था टेक के बाहर गए, वहाँ पे वीडियो वीडियो शूट किया, वहाँ फ़ोटो शूट किया, फिर हमने लंगर में अपना प्रसाद खाया, वहाँ से खाने के बाद फिर हम लोग एक और मंदिर था, मुझे वहाँ का नाम नहीं पता है, जहाँ पे हम लोग भंडा जहाँ पे हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं उसके जस्ट बैक साइड में एक मंदिर था, वो नाम मुझे नहीं आ रहा है, वो बहुत ही अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं वो मंदिर गई थी और वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि वहाँ पे पत्थर थे, पत्थर से काफ़ी चीज़ें लोगों ने, जैसे लोगों की अपनी मन्नतें होती हैं, लोग अपनी मन्नत पूरा करने के लिए लोग कुछ ना कुछ करते हैं, बहुत जगह पे हर चीज़ के रीति रिवाज होते हैं, तो वैसे ही मैंने देखा तो मैंने भी वहाँ पे कुछ किया और मैंने भी कुछ चीज़ें मैंने सोचा अपने मन में रखा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। फिर बहुत ज़्यादा हम लोग वहाँ पे घूमे फिरे और बहुत अच्छा लगा, तो मैंने क्या ही बताओ, मेरा आज मन था एक टैटू बनाने का पर बाबू ने बोला यहाँ पे अच्छा टैटू नहीं बनता है, तो उन्होंने मना किया कि वहाँ टैटू मत बनाओ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी उनसे, मैंने बोला कि ऐसा मत बोलो, मैं हर टाइम सोचती हूँ एक टैटू बनाने का पर तुम बनाने नहीं देते हो, तो कहते नहीं ये इससे अच्छा नहीं होता है, ये सब चीज़ें नहीं बनाना चाहिए, तो वो मुझे मना कर रहे थे, तो और मैं इस चीज़ से मैं अपना मुँह फुला कर चली गई, मैंने कहा चलो मुझे नहीं बनाना, फिर मैं गुस्सा होकर एक जगह जाके बैठ गई और मुझे लेना था कुछ सारा सामान, तो बाबू ने बोला तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं है, फिर मैंने लिया नहीं, कुछ भी नहीं लिया और कुछ भी नहीं किया, मतलब बस अपना रील्स और पिक्स बस यही दो किया और दोनों करने के बाद घर आ गए, वो घर आने के बाद भी भाई चैन नहीं है, आप लोगों क्या बताओ गाइस, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे अभी फाइनली मेरे 7,000 सब्सक्राइब होने जा रहे हैं, 7,000 सब्सक्राइब होने जा रहे हैं मेरे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत मेहनत करने के बाद 7,000 सब्सक्राइब हो रहे हैं, और मेरे दूसरे वाले चैनल पे मेरे भी होने 3,000 के अराउंड मेरे होने जा रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइब एंड मेरे मेहनत से हो रहे हैं। तो मैं गाइस अब निकली हूँ घर की तरफ और मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग प्लीज़। और मैं अभी घर जा रही थी और आप लोगों को मैं एक टॉप दिखाना चाहती हूँ जो आज मैंने उसको मैंने बाय किया, तो आप लोगों को बताऊँ कि वो टॉप इतना प्यारा इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या ही आप लोगों को बताऊँ, मैंने वो टॉप में मैंने रील्स भी बनाई इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइएगा और देखिएगा, इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को पता होगा नैना राजपूत ऑफिशियल 89 है, तो उस पर जाइएगा और देखिएगा और आईडी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप लोग, जितना हो सके गाइस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और लाइट ना होने की वजह से मैंने आपको टॉप दिखाया नहीं बट मैंने रील्स ज़रूर बना लिया था, छत पे जाके सीढ़ियों पे मैंने रील्स बनाए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी, तब तक आप लोग बने रहे, प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके गाइस बाय, लव यू।